इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान इस धरती पर सबसे बुद्धिमान होने के साथ साथ साहसी भी होता है, लेकिन साहसी होना सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग अपने घर की छत पर सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें ऊंचाई से डर लगता है, पर कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें सैकड़ों फीट की ऊंचाई भी सामान्य सी लगती है। ऐसी ही एक इंसान है ट्रैपिज कलाकार एरेंडीरा वेलेंडा। एरेंडीरा वेलेंडा के किए गए कारनामे को जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े जलप्रपात नियाग्रा फॉल्स को 300 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से लटककर पार किया है। उन्होंने हेलीकॉप्टर से लटकते हुए दांतों के सहारे इस कारनामे को अंजाम देकर नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया। एरेंडीरा वेलेंडा के किए गए कारनामे हर किसी के रोंगटे खड़े कर सकते हैं। एरेंडीरा से पहले उनके पति निक वेलेंडा भी नियाग्रा फॉल्स को पार कर चुके हैं। 5 साल पहले निक ने 450 मीटर लंबी रस्सी पर चलते हुए इस जलप्रपात को पार किया था। रस्सी का एक छोर कनाडा की सीमा पर और दूसरा अमेरिकी हिस्से में बांधा गया था। निक खुद एक सर्कस परिवार से हैं और केवल 2 साल की उम्र से रस्सियों पर चलने का अभ्यास करते आए हैं। निक और एरेंडा के 3 बच्चे भी हैं।